हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्ने पिंपल वाली स्किन के लिए मेकअप। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो सीमा उपाध्याय जी का कमेंट आया था कि मैम एक्ने पिंपल वाली स्किन पे मेकअप बताइए। तो मेरी स्किन तो वैसी नहीं है डियर कि एक्ने पिंपल हो, लेकिन मैं एक्ने पिंपल को कैसे हाइड करते हैं, क्या करते हैं, फुल प्रोसेस बताने वाली हूँ। एंड मेरे नाक पे दिख रहा है आपको घमौरियाँ आ गई हैं, एंड इसकी वजह ऐसा ही होता है एक्ने पिंपल का भी मार्ग। तो उसको कैसे हाइड करना है आज आपका गुड लक था कि मेरे फेस पे हो रखा है, और मेरा बैड लक है कि बहुत गंदा लगता है मेरा फेस। लेकिन चलिए, वीडियो तो मैं बता पाऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आप किसी के भी फेस पे एक्ने पिंपल है, डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट्स है, तो आज होने वाली है सारी चीज़ें क्लियर। तो चैनल को बिल्कुल भी चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्ने पिंपल वाली स्किन पे कैसे करते हैं मेकअप। तो CTM सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। CTM की फुल डिटेल पूरी बारीकी के साथ सारी जानकारी दी हुई है, ड्राई स्किन पे, नॉर्मल स्किन पे, सेंसिटिव स्किन पे एंड पिंपल एक्ने वाली स्किन पे कैसे CTM करना चाहिए, फुल डिटेल है। वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा, वीडियो जा चुकी है। एंड नहीं मिल रहा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो एक्ने पिंपल पे कैसे CTM करना है, CTM बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके स्किन के और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोइंग बनाने के लिए। सिंपल स्किन के लिए हर टाइप के स्किन के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बताती रहती हूँ। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्ने पिंपल वाली स्किन पे कैसे करेंगे मेकअप, और एंड डार्क सर्कल को कैसे करेंगे हाइड। डार्क सर्कल भी हो रखा है मेरे को, अभी ज़्यादा दिख रहा है। एंड नोज़ पे आप देख सकते हो पास से देखिए पिंपल्स आ रहे हैं। तो एक्ने पिंपल्स में दो तरीके का मेकअप बता दी हूँ मैं। जैसे एक तो हो गया पिंपल्स दिख रहे हैं, रेडनेस है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर रेडनेस है तो आपको ग्रीन वाला करेक्टर यूज करना है। एंड डार्क स्पॉट का रूप ले चुका है एक्ने पिंपल, यानी कि ब्लैक हो चुका है। तो ब्लैक वाली स्किन पे जैसे डार्क सर्कल हो गया या फिर डार्क स्पॉट हो गया, जैसे एक्ने पिंपल थे ठीक हो गए हैं और डार्क स्पॉट छोड़ गए हैं, तो वैसी स्किन पे कैसे करना है सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मैंने अभी सिर्फ फेस को क्लीन किया है, तो मॉइस्चराइज करना जरूरी है मेकअप करने हैं कैसी भी स्किन हो, CTM करना बहुत ज़रूरी है। तो फेस क्लीन करने के बाद फिर मैंने इस तरीके से सोलर की जगह पर फेस दे दिया है। एंड मॉइस्चराइजर के लिए लैक्मे 30 ml का मॉइस्चराइजर यूज़ करी, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज किए। बिना मॉइस्चराइज किए आप कभी भी मेकअप स्टार्ट मत कीजिए। हम लोग मेकअप तो करते हैं लेकिन अपना गर्दन वगैरह छोड़ देते हैं, तो डियर ऐसी गलती ना करें। जितना फेस पे आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो गर्दन पे भी अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपका फेस का कलर आपकी गर्दन से अलग दिखेगा और मेकअप आपका बहुत ख़राब लगेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे मॉइस्चराइज कर लिया स्किन को। देन सेकेंड स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइमर। तो प्राइमर को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो लोग प्राइमर नहीं लगाते उनका मेकअप केकी हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है, गर्मियों के टाइम में लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। एंड प्राइमर लगाने से बहुत ही बड़ा फ़ायदा है आपकी स्किन को। क्या होता है कि अगर आपने प्राइमर लगाया है तो आपकी स्किन और मेकअप प्रोडक्ट्स के बीच में एक लेयर बन जाती है, उससे आपका स्किन जो केमिकल से हार्म पहुंचता है उससे काफ़ी हद तक बचा रहता है और आपकी स्किन को कोई दिक्कत नहीं होती है। मेकअप रिमूव करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी वीडियो जा चुकी है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैंने इतना प्राइमर लिया है, हुडा ब्यूटी का प्राइमर था, और इस तरीके से पूरे फेस पे फैला लेंगे, एक लेयर बनाएंगे। अब इसको 2 मिनट छोड़ेंगे ताकि जो लेयर है वो अच्छे से सूख जाए और स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होके हमारा जो ओपन पोर्स है उसको हाइड कर दे प्राइमर। तो 2 मिनट छोड़ेंगे, इसके बाद जो स्टेप आते हैं वो फॉलो करेंगे एक्ने और पिंपल और डार्क स्पॉट के लिए। तो जहाँ भी आपको रेडनेस है, पिंपल है, वहाँ पे आपको यूज करना है ग्रीन कलर करेक्टर। तो आपको मैंने दिखाया कि मेरे नोज पे पिंपल्स हैं, तो जहाँ जहाँ भी रेडनेस है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करेक्टर यूज करना है। ओके, तो दैट्स इट। मेरे स्किन पे और कहीं नहीं है, आपके स्किन पे जैसे कई लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है एक्ने पिंपल की वजह से, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको अप्लाई करोगे ग्रीन कलर करेक्टर को। ओके, ये हो गया।
एंड जहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, काले दाग हैं, वहाँ पे आपको यूज करना है ऑरेंज कलर करेक्टर। तो ग्रीन कलर करेक्टर को हम लोग ब्लेंड करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डीप करना है, पूरा पानी निचोड़ लेना है। देन कई बार हम लोग सोचते हैं हमने पूरा प्रोडक्ट यूज़ किया बट हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आया, तो क्यों नहीं आता? या तो हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देते हैं या फिर बहुत कम ब्लेंड करते हैं। जैसे कि ये मेरा ठीक है, इतना करना है आपको, कई लोग क्या करते हैं जैसे इतना ब्लेंड करके छोड़ देते हैं, फिर उसके आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो कलर तो दिखेगा ना, तो थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर दो। ओके, हल्का हल्का दिखना चाहिए। अब हम लोग बारी आती है ब्लैक दाग की, यानी कि काले रंग के जो दाग होते हैं चेहरे पे, उसके लिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर। मैंने ये एलिगेंस का कलर करेक्टर लिया है जो कि ख़त्म हो चुका है, तो मैं आज मार्केट जाऊंगी और दूसरा भी लूंगी, लेकिन अभी जितना आपको बताना है उतने के लिए काफ़ी है। डार्क सर्कल हाइड करने के लिए तो आज का जो वीडियो हो उसमें यही बताने वाली हूँ मैं कि कैसे आप डार्क सर्कल को और पिंपल एक्ने को हाइड करोगे। ओके, तो जैसे कई बार क्या होता है, ये डार्क सर्कल के लिए तो मैंने लगा लिया, माउथ के अराउंड भी हमारे ब्लैकनेस होता है, मेरे बहुत कम है बट मैं यूज करके बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे गर्दन के आसपास में बहुत ब्लैकनेस, कई औरतों का आपने देखा होगा कि गर्दन का जो ये एरिया होता है बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ जाता है, तो उनको इस तरीके से कलर करेक्टर लगाना है। और एंड गर्दन का जो भी पार्ट है जो कि ब्लैक पड़ चुका है उस पर आपको इस तरीके से कलर करेक्टर लगाना है। एंड जो हमारा एक्ने पिंपल वाला स्किन है, एक्ने पिंपल वाला एरिया है, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करेक्टर लगाना है एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है। ओके, तो गीला ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, सूखा नहीं लेना है। ओके, फिर टैप टैप करेंगे, अच्छे से हाइड करेंगे। आज कोई आई मेकअप वगैरह नहीं बता रही हूँ, आज मैं सिर्फ डार्क स्पॉट्स को कैसे हाइड करते हैं एंड एक्ने पिंपल वाली स्किन पे कैसे मेकअप करते हैं वो बताने वाली हूँ। बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा गाइस, उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो रहा है, माइक मैं ऑर्डर कर रही हूँ, जैसे ही आ जाता है आपको ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। ये एरिया हमारा अक्सर ब्लैक पड़ जाता है, तो यहाँ पे हमको इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ओके, इसके बाद जहाँ पे हमारा रेडनेस था वहाँ पे ग्रीन अप्लाई किया, जहाँ ब्लैकनेस था वहाँ पे हमने ऑरेंज अप्लाई किया है, पूरा अप्लाई कर लिया। अब हम लोग अपनी स्किन से मैच होता हुआ कंसीलर लेंगे। तो ये भी एलिगेंस का कंसीलर है, इसे इस तरीके का ब्रश दिया होता है, इसको इस तरीके से दबाओगे तो प्रोडक्ट ब्रश में आ जाएगा। अब इसको अपने आईज के ऊपर, आईज के नीचे, ओके, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो आपने देखा पहले मेरा कितना ज्यादा डार्क सर्कल दिख रहा था। तो ये एलिगेंस का कलर करेक्टर है, ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला करना है और फिर आपको इसे ब्लेंड करना है। कई बार हम लोग मेकअप करते रहते हैं, बीच में हमारा ब्यूटी ब्लेंडर टूट जाता है, तो अब इस तरीके से फिल्टर पानी स्प्रे बॉटल में भर के रखो, फिर इस तरीके से गीला कर लो अगर बार बार आपको पानी में डिप नहीं करना है तो, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से दबा लीजिए और फिर अप्लाई कीजिए बिल्कुल हल्के हाथों से। ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, थोड़ा सा भी दबाव नहीं डालना है तो कस्टमर को इससे दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं कर रही ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कई लोग लिप्स पे अप्लाई करते टाइम लिप्स को हाइड कर देते हैं, हटा देते हैं या फिर लिप्स पे नहीं प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लिप्स पे भी आपको प्रोडक्ट बराबर मात्रा में यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब आप लिप्स पे प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो लिप्स का जो भी ब्लैकनेस होता है या फिर अलग कलर होता है वो अच्छे से हाइड हो जाता है, एंड जो भी आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो
वो बहुत अच्छे से उभर के आता है कलर, इसलिए आपको लिप्स पे भी पूरा फाउंडेशन कंसीलर जो भी आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो वो अप्लाई करना है। धीरे धीरे बिल्कुल हल्का हल्का टैप करके पूरे मेकअप को ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर अगर गीला रहेगा तो आपका मेकअप इजीली ब्लेंड हो जाएगा और जो भी एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम रहेगी वो बिल्कुल अच्छे से हाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे कि कैसे करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल भी प्रोडक्ट हैवी नहीं लग रहा है और जो मेरा नाक पे डार्क स्पॉट था, आई डार्क सर्कल था, बिल्कुल अच्छे से हाइड हो चुका है। यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थी। इस तरीके से करोगे तो गर्दन का जो ब्लैकनेस है वो भी अच्छे से चला जाएगा। आईज के नीचे इस तरीके से ये जो नुकीला पार्ट होता है इसके आप ब्लेंड कर सकते हो इनर कॉर्नर पे। बिल्कुल भी रब नहीं करना है ब्यूटी ब्लेंडर को, बिल्कुल टैप 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 करके आपको सारे मेकअप को ब्लेंड करना है। अभी मैंने सिर्फ मेकअप को सॉरी डार्क स्पॉट्स को एंड पिंपल को हाइड करने के लिए बताया है। और यहाँ पे देखिए जूम बिल्कुल नेचुरल कैमरा है, मेरा डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। नोज़ पे जो घमोरियाँ आई थी मतलब पिंपल्स को मान सकते हैं उसको, पिंपल को भी सेम तरीके से हाइड करना है, वो भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक डार्क स्पॉट है वो भी नहीं दिख रहा है। अब इस बेस को आप सेट करोगे, इसके बाद आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंसीलर लगा के अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हो बस। तो कंसीलर मैं लॉन्ग टाइम से ये वाला यूज़ कर रही हूँ लैक्मे। आपको सिर्फ नोज पे स्ट्रेट लगना है, अपर लिप पे, बॉडी पे, यहाँ पे, देन आईज के नीचे बिल्कुल हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लगाना है, एंड गर्दन पे, और इसको ब्लेंड कर देंगे। बस थोड़ा सा फेस को हाईलाइट करने के लिए जो हमारा उभरा हुआ स्किन है वो थोड़ा हाईलाइट दिखे हैं, अच्छा दिखे। तो देख लो काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। अगर आपके पास कॉन्टोर नहीं है तो आप इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई सॉरी कंसीलर अप्लाई करते हो, ये कॉन्टोर का काम कर देता है। अब हम लोग सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे और पूरे मेकअप बेस को सेट कर देंगे। उसके बाद आपको जो भी मेकअप करना है आई मेकअप वो सब आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया था आज का वीडियो जो है डार्क स्पॉट, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन को कैसे हाइड करते हैं मेकअप के थ्रू। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे। ये भी कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा ख़त्म होने वाला है, ये देख सकते हो। ये मैंने VLCC का लिया था, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। नीचे वाला पूरा खाली हो गया है, एंड पर वाला भी ख़त्म होने वाला है। तो ब्रश में इस तरीके से लेंगे, ब्रश को राउंड राउंड घुमाना है। राउंड राउंड घुमाने से क्या होगा, एक तो आपका मेकअप जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पाउडर लगने की वजह से फट जाता है कई बार मेकअप, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो राउंड राउंड घुमा के ही आपको प्रोडक्ट को सेट करना है, मेकअप बेस को सेट करना है। आप लोग कमेंट करते हो अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, डाउट रहता है, उस सब चीज़ों के बारे में मुझे बता सकते हो। सीमा उपाध्याय को थैंक यू सो मच फॉर कमेंट पूछने के लिए कि एक्ने पिंपल वाली स्किन पे
कैसे वीडियो बनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे भी क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रखूँ मैं वीडियो का, और आप लोग को भी जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है मेकअप एंड पार्लर कोर्स से रिलेटेड। तो सीमा उपाध्याय जी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्ने पिंपल वाली स्किन पे कैसे मेकअप करना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो मेरा डार्क सर्कल, एक्ने पिंपल, डार्क स्पॉट्स, गर्दन का जो कालापन है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग अपने आईब्रो को फिल करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, हाइलाइटर ब्लश अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो बेस बना है बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा हो तो नेचुरल में आ जाए और कुछ भी हैवी ना लगे। तो पिंक कलर का शेड मैंने यहाँ पे पिक किया है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे, इससे हमारा जो मेकअप होता है वो नेचुरल हो जाता है थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करने से। तो डे हो नाइट हो, हल्का ब्लश अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखा इतना सही करने से कितना ज़्यादा अंतर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बेस जो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा था वो कम हो गया और नेचुरल लग रहा है मेकअप। अब हम लोग तो अपना हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर जो मेरे पास है वो है स्विस ब्यूटी का, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अब नया जो लेके आऊँगी उसका भी रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है तो इस ब्रश को इस तरीके से पकड़ना है या फिर एक क्लिप लगा दीजिए, देन इस तरीके से नाक पे हाइलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं। नाक पे हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे, इससे क्या होगा आपकी नाक बिल्कुल साफ दिखेगी। देन चिप्स पे यहाँ से ऐसे, और ज़्यादा डार्क सर्कल है थोड़ा सा हल्का बिल्कुल लाइट में आईज के नीचे अप्लाई कर दीजिए। अपर लिप पे तो अप्लाई करना ही करना है, थोड़ी पे अप्लाई करना है, फोर पे अप्लाई करना है, एंड आईज़ के ऊपर पूरा अप्लाई करना है। बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए तो भी आईज़ पे अप्लाई कर दीजिए, कोई मेकअप मत कीजिए, दैट फिर लिपस्टिक लगाइए और आईब्रो पेंसिल चले दीजिए। आईब्रो फील करने के लिए जेल आईलाइनर बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे अपने आईब्रो का शेप बनाएंगे जैसा कि आपको चाहिए। आउटर कॉर्नर से मतलब बाहरी साइड से लेके इनर कॉर्नर तक आओगे आईब्रो को फिल करोगे। परफेक्ट शेप आपकी बनी है नहीं बनी है वो मायने नहीं रखता, आपको अपने मेकअप के थ्रू अपने आईब्रो को अच्छा सा शेप देना है। इतना लगा लेंगे दोनों साइड, इधर से नापेंगे यहाँ आ रहा है, देख देंगे अच्छे से। अगर एक्स्ट्रा आईब्रो पेंसिल लग जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसकी वीडियो, कल की वीडियो मैंने बताया था, तो आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसको ब्लेंड करेंगे, इनर कॉर्नर तक आपको प्रोडक्ट नहीं लेके आना है, तो इस तरीके से ये वाला ब्रश लेना है। ऐसे ब्लेंड कर रहे हैं, दूसरे वाले आईब्रो को भी इस तरीके से ब्लेंड करना है। फ्रंट में आपका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, आउटर साइड में डार्क भी होगा तो चलेगा। इस तरीके से आईब्रोज को फिल कर लेंगे,
हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है वो लाइट पिंक लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मेकअप बेस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो कॉटन ले लीजिए और हल्का हल्का इस तरीके से निकाल लीजिए। तो इससे आपका जो मेकअप लुक है वो नेचुरल आ जाएगा और आपका मेकअप भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। बिल्कुल हल्के हल्के आपसे निकालोगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ओके तो अभी नेचुरल हो गया। अब लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक लगाते टाइम हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिप्स का शेप, पहले आपको लिप्स का शेप देना है। आप देखिए ये वाला मेरा थोड़ा सा ऊंचा है बट ये वाला नीचे है, तो इसको भी या तो इसको थोड़ा ऊंचा कर लीजिए या दोनों इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कैसे आपको मेकअप करना चाहिए एक्ने पिंपल वाली स्किन पे। एंड दैट्स इट। अपना बाल बाल बना लो, अपना पार्टी या जहाँ भी आपको जाना है कोई फैंसी फंक्शन में उसके लिए आप रेडी हो ज्वेलरी वगैरह डाल के। तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी एंड कपड़े नहीं चेंज कर रही हूँ, बस मैंने मेकअप बताया कि कैसे आपको करना है। और बिल्कुल नेचुरल कैमरा है, कुछ भी मैंने इसमें एडिटिंग नहीं की है, आईलाइनर मस्का मैंने नहीं लगाया है। बस मेरे को था कि नेचुरल लुक में आपको कैसे बता दूँ। हल्का सा काजल और मस्का अप्लाई करके आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो और कहीं भी जाने के लिए रेडी हो। तो आई होप कि सीमा उपाध्याय जी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है आपको एक्ने पिंपल वाली स्किन पे मेकअप। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोस क्लियर करती हूँ। कल की वीडियो में मैंने बताया था वी नेक दो तरीके से कट होते हैं और कैसे कैसे कट करना चाहिए। वी नेक डीप नेक बना रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ कंधा क्यों गिरता है, हर एक चीज़ पूरी बारीकी में डिजाइनर ड्रेसेस से रिलेटेड ऑल वीडियो जाती है सेकंड चैनल पे। प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप इजीली ले सकते हो। इंस्टा आई प्रीत तिवारी 24 है, इंस्टा प्रीत तिवारी 24 उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जाके इजीली आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जानना है, न्यू टॉपिक है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगी आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर कमेंट सीमा उपाध्याय जी, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।